एक बीकर या गिलास और पानी। अब हम हमारा तरीके अमल करेंगे। प्याज लेकर प्याज में इस तरीके से टूथपिक को हम लगाएंगे। बीकर में पानी लेंगे। पानी लेकर प्याज को हमें इस तरह रखना है कि इसकी जड़ें पानी में डूबी रहे, और इस बीकर को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर सूरज की रोशनी मिले। इस तरह हमें 8 से 15 रोज तक के रखना है और इसकी जड़ों का मुशाहिदा करना है। हमारी प्याज का मुशाहिदा करेंगे। देखो बच्चों, यहां पर हमें सफेद कुछ दिखाई दे रहा है, ये प्याज की रेशादार जड़ें हैं। ये टुकड़ी हम निकाल देंगे। यहां पर हम देखेंगे कि इस प्याज के पौधे की नशोनुमा के दौरान ये अकवे से तना बढ़ता है और यहाँ पर नीचे जड़ कोपल की मदद से यहाँ पर जड़ें निकलती है, जिसे रेशेदार जड़ें कहते हैं। आज हमने प्याज की रेशेदार जड़ों का मुशाहिदा किया। आज हम असल जड़ को भी देखेंगे। इस तरीके से असल जड़ जमीन में गहराई तक बढ़ती है। इसका ऊपर का हिस्सा मोटा होता है और नीचे ये बारीक होती जाती है। निचले हिस्से पर आपको दिखाई दे रहा है ये बाल जैसी रवे है, इन्हें जड़ बाल कहते हैं। और इसके इंतहाई निचले सिरे पर जो कि बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, इस हिस्से को जड़ टोपी कहते हैं। देखा बच्चों, आज हमने दो जड़ों का मुशाहिदा किया, असल जड़ और रेशेदार जड़, फाइबरस रूट और टैप रूट।